वेलकम बैक टू माई चैनल। और समर स्टार्ट हो चुके हैं और ऐसे मौसम में ना मतलब आम खाने का मजा ही कुछ और होता है। और कच्चे आम भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है जैसे मैं, और ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा मीठा होता है। मैंने सोचा कि आपके साथ ना इस समर्स में ये रेसिपी शेयर करना तो बनता है। आज हम बनाते हैं कच्चे आम की सब्जी, मतलब कैरी की सब्जी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खट्टी मीठी लगेगी। और गर्मियों में ना ये खा के आपको मज़ा ही आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी तो लगती है। क्या करना है, हम लोगों को कैरी को कुछ ऐसे अच्छे से कट कर लेना है। बाद हम लेंगे जैगरी यानी गुड और कच्चा आम कैरी, कुछ ऐसे कट कर लिया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिया है चिली पाउडर एंड नमक। तो चलो अब इसे बना। कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे और जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कट की हुई कैरी है वो, और इसको थोड़ी देर सॉटे करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। तो ये देखो यहाँ पे हमने रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे ही हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे थोड़ी देर के बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे जैगरी यानी गुड़। यहाँ पे हम गुड़ भी ऐड कर देंगे, इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसे ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें ना इसको अच्छे से ढक के रखना है। तो देखो 5 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और ये कुछ ऐसे दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी खुशबू आती है इसमें से। और बस अब इसमें ऐड कर देंगे हम सॉल्ट, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे बस हमारी जो सब्जी है वो रेडी हो जाएगी। 1 मिनट तक पका लो और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब कैसे और इसे सर्व कर दो। गाइस ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें हमें कैरी की टेस्ट और हेल्थ दोनों मिलती है, मतलब चटपटापन और तीखा मीठापन सब कुछ मिलने वाला है इस रेसिपी में। और जिसे भी कैरी अच्छी लगती है ना, मतलब नॉर्मली तो सबको अच्छी लगती है, मतलब ये सबको अच्छी लगने वाली है कैरी की सब्जी या फिर आम की सब्जी ले लो, तो ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट्स में बताना ये कैसी लगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा